चलिए अभी अपन देखते हैं टाइम ट्रिगर। ओके अभी हम लोग क्या देखेंगे, टाइम ट्रिगर देखते हैं हम लोग। ओके ये हम लोग आ गए हमारे आर्क के अंदर, ये हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सर आपने स्क्रीन शेयर किया है? शायद से नहीं किया मैंने। चलिए हो गया स्क्रीन शेयर। यस ओके हाँ सर, यस सर। चलिए अभी अभी देखिए हम लोगों को क्या करना है। यहाँ पे अभी मुझे ट्रिगर लिखना है। अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको अपडेशन। ओके वर्क फ्लो फॉर देखिए मुझे वर्क फ्लो बनाना है अपडेशन। अपडेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे रहेगा। तो आज अपन देखेंगे यहाँ पे, ये मेरा एक स्टूडेंट डिटेल है, एज्यूम करते हैं हम लोग ये स्टूडेंट डिटेल है। हम लोग स्टूडेंट डिटेल नाम का मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, पहले से ऑब्जेक्ट, ओल्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर एक रिकॉर्ड है। ओके एक रिकॉर्ड रहेगा, उस रिकॉर्ड के अंदर अजम करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इस रिकॉर्ड के अंदर एक ट्यूशन फी है ना, यहाँ पे है कि नहीं, ट्यूशन फी करके नाम का एक फील्ड है। ओके ट्यूशन फी नाम का एक फील्ड है, क्लियर गया। इस फील्ड में जैसे ही 25,000 हम डालेंगे, 25,000 डालेंगे। ओके पहले अजम करते कि इसके अंदर एज्यूम करते हैं हम लोग इसके अंदर नहीं किया, जैसे प्रणति गेड़ा में उसने क्या किया 15,000 रुपये फी भरी थी, इज इट क्लियर। बाद में उसने क्या किया और 10,000 रुपये भरे, तो कितना हो जाएगा 25,000 आ जाएगा यहाँ पे, इज इट क्लियर। तो मतलब ये फील्ड जो रहेंगी ना वो अपडेट हो जाएंगी। ओके तो फील्ड जैसे ही अपडेट हो गई, इज इट क्लियर, फील्ड जैसे ही अपडेट होगी ध्यान दीजिएगा। ओके मैसेज आ जाएगा, किसको मैसेज आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा हम लोगों को, क्या आ जाएगा आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा आपका, ईमेल आ जाएगा। ओके ईमेल अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा किसको, दो लोगों को, एक तो दो लोगों को आएगा, इज इट क्लियर। दो लोग कौन से रहेंगे वो, इज इट क्लियर, वो दो लोग रहेंगे, एक तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मतलब दीक्षा, एक रहेगा आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, और दूसरा कौन रहेगा आपका यूज़र जिसके पेमेंट बढ़ रहे। ओके उन लोगों का रहेगा, तो ये दोनों को आपको मैसेज आ जाएगा, क्लियर हो गया आपको, इज इट क्लियर, समझ में आ गया क्या, कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बता वर्क फ्लो का। अभी अपन वर्क फ्लो, कल अपन ने वर्क फ्लो क्या किया था, नए रिकॉर्ड बनाया तो आपको ईमेल आना चाहिए था, तो मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड नया बनाया तो ईमेल आता था मुझे, यस क्लियर हुआ क्या। ओके अभी मुझे क्या आना चाहिए, पुराना रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्ड आपका क्या रहेगा पुराना रहेगा, ओल्ड रिकॉर्ड रहेगा, ओल्ड रिकॉर्ड के अंदर एक आधी ट्यूशन फी आपके कुछ पैसे नहीं भरे होंगे, उसने 25,000 रुपये भरे या 10,000 रुपये होंगे, उसने बाद में 15,000 रुपये भरे, 15,000 होंगे तो 20,000 रुपये भरे होंगे, और 5,000 15 10,000 रुपये भरे होंगे, तो 25,000 जैसी ट्यूशन फी के अंदर आ जाएगा, 25 छोड़ के 12 रो 15 रो वो नहीं, जब 25,000 पूरी फीस कंप्लीट रहेंगी तभी, जैसी पूरी फीस कंप्लीट रहेंगी तभी मैं क्या करूँगा आपका इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा और आपका रिज्यूम अप करूँगा, तब तक तो तभी ट्यूशन फी 25,000 हो जाएंगी, तो वैसे ही ईमेल अलर्ट आना चाहिए, उसको बोलते हैं अपडेशन। तो हम लोग नया रिकॉर्ड बना रहे क्या, नहीं पुराने रिकॉर्ड के अंदर, मतलब ओल्ड रिकॉर्ड जो रहेगा ना आपका, ओल्ड रिकॉर्ड जो रहेगा, ओके ओल्ड रिकॉर्ड रहेगा उसके अंदर, ओल्ड रिकॉर्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे मॉडिफाइड करेंगे, इज इट क्लियर। तो अभी वो प्रोसेस देखते हैं हम लोग,
तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप एज्यूम करो हम लोग। ओके, पहले सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं सबसे पहले, इवोल्यूशन ऑफ, क्या बनाएंगे हम लोग, इवोल्यूशन ऑफ क्राइटेरिया। मतलब मुझे कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्राइटेरिया लगाना है, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्राइटेरिया लगाना है, स्टूडेंट बताओ ना यार, डिटेल, स्टूडेंट डिटेल के ऊपर लगाना है, क्लियर हो गया आपको। और दूसरा देखते हैं हम लोग, मुझे क्राइटेरिया क्या लगाना है, यहाँ पे दे दीजिए क्राइटेरिया क्या लगाना है मुझे, सेकंड क्राइटेरिया क्या लगाना है बताओ, क्राइटेरिया क्या लगाना है, ट्यूशन फी कंप्लीटेड। मैं आपको वापस एक बात बोलूँ क्या, इंटरव्यू में इंटरव्यू वाला जब पूछेगा तब आप बोलेंगे जब इंटरव्यू में मैं बात करूँगा, तो कभी ज़िंदगी में इंटरव्यू में आवाज़ निकलता नहीं है, ये 3 महीने आदत लगा दो आपको, मैंने कुछ पूछा तो उसके आंसर देते जाओ, आपका प्रिपरेशन भी हो जाता है। आप ऐसे बैठे रहेंगे और मैं बोलूँगा कि इंटरव्यू के वक्त ही मैं वर्किंग करता हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ मुंह से बात ही नहीं निकलती, क्योंकि अपने को आदत ही नहीं रहती ना, आपके दिमाग को समझ में आ रहा है बट आपका मुंह आपको साथ नहीं दे सकता है ना, ये आदत लगाना पड़ता है। इसलिए बच्चों को या क्लासेस में से पढ़ाया जाता है कि बोलो करके, क्योंकि उनको आदत लगाते हैं, हम लोग आदत लगाते हैं, आपको हम पूछते तो आप बोलते ही नहीं है, इंटरव्यू में नहीं बोल सकते वो लोग, ध्यान देना। एक टीना नाम की लड़की थी, वो ऐसी बड़बड़ करती थी, कोई भी रहा तो बोलती थी, जैसे आप एक पायल मैम है, वो बोलते हैं ये लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनका माइंड खुला रहता है, किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मुंह से आवाज़ निकलना चाहिए, वही माइंड में क्या इंटरव्यू के वक्त काम में आता है। ओके, आपका दिमाग बोलता है अरे नहीं, आगे वाले ने क्वेश्चन पूछा आंसर बताना चाहिए, तो वो आदत रहती है। क्राइटेरिया क्या लगाएंगे हम लोग, क्राइटेरिया क्या लगाएंगे, ट्यूशन फी जैसी आपकी, ट्यूशन फी जैसी आपकी 25,000 हो जाएंगी, ओके, वैसे ही मेरे को ईमेल अलर्ट होना चाहिए, क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे इज इट क्लियर, ईमेल आना चाहिए, और ये किसके ऊपर लगना चाहिए मेरा, ये मुझे लगना चाहिए यहाँ पे देखो, ट्यूशन फी अपडेट अपडेशन के ऊपर लगना चाहिए। तो मैं देखो अभी कैसे करता हूँ, तो ध्यान दो। ओके, हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाना है मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, सेटअप पे जाएंगे, हम लोग वर्क फ्लो लगाना है, उसके बाद होम पे जाएंगे, और होम पे क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क फ्लो, वर्क फ्लो रूल देखेंगे, और जो पुराना एक था वर्क फ्लो उसका उसको डीएक्टिव कर देंगे, ध्यान देना ये एक्टिव है उसको डीएक्टिव कर देना। चलो हो गया क्या, चेक कर लो, इतने वर्क फ्लो बनाया लेकिन अभी फिलहाल एक भी चालू नहीं है, तो अपन न्यू वर्क फ्लो में जाते हैं, न्यू रूल में जाते हैं हम लोग। आज अपन नाम ले लेते किसी एक पर्सन का, क्योंकि आज अपने को बहुत लोग हो जाते हैं ना इसमें, तो तकलीफ जाती है। चलिए यहाँ पे हम लोग प्रणति का, अनुराग का नाम ले लेते हैं आज। ओके चलिए, अनुराग का ले लेते हम लोग। चलिए, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है मुझे, स्टूडेंट डिटेल के ऊपर लगाना है, तो चाहते हैं हम लोग स्टूडेंट डिटेल, नेक्स्ट लगा दिया। अभी रूल नेम, तो अपन क्या लगते हैं, अनुराग, अनुराग मतलब आप लगाना नहीं है। ओके, आज का वर्किंग रहेगा, बहुत वर्क फ्लो है तो समझ में आ जाता है, वर्क फ्लो फॉर डे अपडेशन अपडेशन ऑफ ट्यूशन फी, क्लियर हो गया आपको, ट्यूशन फी के लिए अपडेशन करना है। चलो हो गया, अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें रहती है, क्रिएट क्रिएट एंड एवरी टाइम इट एडिटेड, और क्रिएटेड एंड एनी टाइम इट एडिटेड टू सब्सिक्वेंशियल सब्सिक्वेंशियली मीट क्राइटेरिया। तो ये क्रिएट मतलब क्या होता है, पहली बार हम लोग पहली बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहली बार एक आधा नया रिकॉर्ड बनाएंगे, ये न्यू से तब वर्क होता है, समझ में आ रहा है, तब वर्क होता है, तब होता है क्रिएट। अब मुझे क्या करना है, नए को नहीं, जो पुराना रिकॉर्ड है ना, ये देखो कोई तो भी एक पुराना रिकॉर्ड है, ये देखो ये रिकॉर्ड पुराना है आपका, इज इट क्लियर, चलो इसको ऐसे नहीं दिखते, ये पुराना रिकॉर्ड है, तो ये पुराने रिकॉर्ड को मैं जब मॉडिफाइड करूँगा, ये तो पहले से 25,000 रुपये एज्यूम करते हैं हम लोग। ओके
ये अज्यूम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा रहता 15,000 रुपये अज्यूम करते हैं, सेव कर देता हूँ मैं पहले। ओके तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल में जाता हूँ मैं, स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे हम लोग और यहाँ से देखता हूँ मैं, ऑल करके देखता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ओके यहाँ पे ट्यूशन फ़ी नहीं है तो मैं ऐड कर देता हूँ, ये यूपीएससी मैटर में निकाल लेता हूँ। ओके और ऐड करता हूँ मैं, जो काम का है वो रखता हूँ, बाकी के मैं भेज देता हूँ। ये यूपीएससी वापस कर देता हूँ, ओनर फर्स्ट नेम वापस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला था, ट्यूशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी ऐड कर देता हूँ। ओके सेव इट। अब देखिए यहाँ पे सबका 25 है, तो यहाँ पे देखिए दीक्षा नाम का एक लड़की है, इस लड़की का मुझे अपडेशन करना है। अपडेशन 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 का मतलब समझ में आ गया कि आपको ध्यान देना, अपडेशन का मतलब होता है, अब ये 15,000 है। ओके तो अपडेशन अपन हमेशा पुराने रिकॉर्ड में किया जाता है, ओल्ड रिकॉर्ड में किया जाता है, जो पहले से ही सेल्सफोर्स के अंदर रिकॉर्ड रहता है उसमें किया जाता है। इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट एंड एवरी टाइम इट एडिटेड। समझ में आ गया आपको, पहला क्या रहता है क्रिएट, क्रिएट में कैसा होता है न्यू रिकॉर्ड रहेगा तब, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम एडिटेड मतलब आपका कोई भी डेटा मॉडिफाइड करना है, अपडेट करना है तो उस वक्त रहता है पुराना डेटा को। लेकिन यहाँ पे रूल रहता है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन नॉट ऐड द टाइम डिपेंडेंट वर्क फ्लो एक्शन विद द ऑप्शन। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वैसा नहीं आता, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे क्लिक करूँगे तो आता है। ओके इसका मतलब मैं बता देता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे अपडेट करेंगे। अब मुझे अपडेट क्या करना है, तो यहाँ पे दो चीज़ें रहते हैं अभी, बाकी ये कल अपन देखेंगे, फिलहाल अपन ये देखते हैं। क्रिएट आर्मिट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आर्मिट, अब मुझे क्राइटेरिया क्या चाहिए बताओ बरा, क्राइटेरिया क्या चाहिए, ट्यूशन फीस के ऊपर 25,000 रुपये होना चाहिए तो ही मुझे मेल जाना चाहिए। लिखा मैंने, यहाँ पे अपन इक्वल दे देंगे और यहाँ पे हम लोग दे देंगे 25,000। क्लियर हुआ क्या आपको बताओ, यस ये आपका मेन क्राइटेरिया है, बाद में दूसरा भी क्राइटेरिया डाल देता हूँ, डालना है तो डाल सकते हैं। मुझे करंट ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं, करंट इक्वल्स टू, और यहाँ पे gmail.com। क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे इज इट क्लियर, तो ये मैंने डाल दिया और इसको हम लोग तो समझ में सर, आ गया। सर उसमें @ नहीं हुआ है। हाँ उसमें @ नहीं लिखा है आपने। ओके सॉरी एरर दिया रहता है। क्लियर हो गया आपको। ओके तो ये आ गया मेरा ईमेल आईडी। ओके तो मेरा क्राइटेरिया मेन क्या है समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया क्राइटेरिया क्या रहता है तो। ओके तो स्टूडेंट डिटेल ट्यूशन फी क्या रहेगा 25,000, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ। सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम लोग, मतलब अपन ने बना लिया क्राइटेरिया। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे ईमेल अलर्ट लगेगा आपका, ईमेल अलर्ट लगेगा, समझ में आ रहा आपको, ईमेल अलर्ट लगेगा यहाँ पे। ईमेल अलर्ट मतलब मुझे एक ईमेल भेजना पड़ेगा, किसको, एक ईमेल अलर्ट लगा देंगे, ईमेल अलर्ट, अलर्ट लगा देंगे। क्लियर हो गया आपको, और उसके अंदर एक टेम्पलेट लिख लेंगे हम लोग, ईमेल टेम्पलेट, समझ में आ रहा है, और ये ईमेल टेम्पलेट अपन इसको ऐड कर देंगे, कहाँ पे, ईमेल अलर्ट में ऐड कर देंगे, इज इट क्लियर। और यहाँ पे अपन लोग लिख लेंगे ईमेल टेम्पलेट। अब समझ में आ गया, एक दो इसमें समझ में आ जाता है, ईमेल टेम्पलेट ये लिख लिया मैंने। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग सबसे पहले बताया कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क फ्लो लगाना है, बाद में क्राइटेरिया लगा दिया, क्राइटेरिया होने के बाद वो क्या करेगा, ईमेल अलर्ट देगा। ईमेल अलर्ट में दो पार्ट होते हैं, एक ईमेल अलर्ट और दूसरा ईमेल टेम्पलेट। यहाँ पे अपन लिखते हैं कि क्या मैसेज जाना चाहिए और वो मैसेज किसको जाएगा आपका, वो मैसेज जाएगा दो लोगों को, एक तो यूज़र को जाएगा, यूज़र मतलब बताता हूँ, और एक जाएगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, मैंने लिखा है करंट, ये आप देखिए इसको जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए, यस। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो एक्शन रहते हैं, एक इमीडिएट एक्शन रहता है और एक टाइम डिपेंडेंट एक्शन रहता है। तो मैंने आपको इसके पहले बताया था क्रिएटेड एंड एडिट में
टाइम डिपेंडेंट एक्शन रहता ही नहीं, यहाँ पे लिख के आया है देखो, यू कैन नॉट ऐड द टाइम डिपेंडेंट वर्कशॉप एक्शन बिकॉज यू वायलेटेड क्राइटेरिया इज एवरी टाइम और रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिट। मतलब अपन ने सेकंड ऑप्शन लिया तो टाइम डिपेंडेंट एक्शन उसके ऊपर वर्क नहीं होती है, उसके ऊपर सिर्फ इमीडिएट एक्शन ही वर्क होती है। इमीडिएट एक्शन का मतलब मैंने बता दिया, जैसे एटीएम से अपन पैसे निकालेंगे वैसे तुरंत मैसेज आता है, अपन जैसे ही अपडेशन करेंगे तो तुरंत मैसेज चला जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट। इसके बाद अपन देखेंगे टाइम डिपेंडेंट क्या होता है। तो अभी इमीडिएट एक्शन हो गया आपको, अब यहाँ पे एक्शन में क्या होना चाहिए, ईमेल अलर्ट जाना चाहिए। कल अपन पढ़ेंगे ये बाकी का सब, तो ये ईमेल अलर्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो ये ईमेल अलर्ट में हम लोग यहाँ पे दे देंगे हम लोग। क्लियर गया आपको अनुराग, यहाँ पे ईमेल नाम दे रहे, ईमेल अलर्ट। क्लियर क्या होगा आपका, ओके ईमेल फॉर अपडेशन ट्यूशन फी। क्लियर गया, यहाँ पे दे देंगे हम लोग, ओके। बाद में हम लोग यहाँ पे जाते हैं, आपको किसको किसको जाना चाहिए, मुझे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जाना चाहिए, लिख लिया मैंने। और दूसरा यहाँ पे देखो ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी मतलब जिसका ईमेल है उसको जाना चाहिए, ओके। तो यूज़र के पास जाना चाहिए, ये मैंने दो दे दिया आपको, इतना क्लियर। मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो यहाँ पर ईमेल डाल दो, यहाँ पर ईमेल डाल दो, पायल मैम का, चौरे मैम का, नेहा मैम का, उसके बाद वो अपना कौन हीरो बैठा हुआ है, तो इन लोगों के डेटाज आप लोग यहाँ पर डाल दो। अनुराग का नाम, अनुराग का डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, बोबाटे सर का डाल देंगे, रूपम डाल देंगे, सत्कार रहेंगे, तो इन लोगों का डाटा अपन इसके अंदर डाल सकते हैं। पांच लोग अपन सीसी कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको। अब मुझे क्या रिकॉर्ड चाहिए, देखो तो यहाँ पे मुझे मैसेज देना चाहिए, ईमेल टेम्पलेट। ईमेल टेम्पलेट मुझे बनाना पड़ेगा, तो इसको डुप्लीकेट में चले जाते हैं हम लोग, आदत हो जाती है, बहुत ईजी है ये, सिर्फ पहले दिन ऐसे लगता है, लेकिन जिसने वर्क नहीं कर रहा होगा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलता, मेरे को किसी का भी मैसेज नहीं आया, समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग ईमेल टेम्पलेट, ये ईमेल टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैसेज लिखा जाता है, न्यू टेम्पलेट पे जाते हैं हम लोग, टेस्ट टेस्ट मैसेज एचटीएमएल मास्टर परसों के दिन पढ़ाऊंगा कैसे बनाया जाता है। तो ये नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे नाम दे देते हैं अनुराग ईमेल टेम्पलेट। अनुराग ये सिर्फ आज का वर्किंग है, बहुत से डाटा हो गए। ईमेल अनुराग ईमेल टेम्पलेट फॉर अपडेटिंग ऑफ ट्यूशन फी, ये रहेगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे, मुझे मैसेज देना है, ओके अपडेशन ऑफ ट्यूशन फी, यहाँ पे मैसेज डाल देंगे हाय, ओके। ये मैसेज आएगा आपको हाय, आपका नाम देना पड़ेगा, नाम कहाँ से देंगे हम लोग, ऊपर जाएंगे स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाएंगे हम लोग। अभी समझाने की ज़रूरत है क्या, ये मैंने उस दिन समझा के दिया था क्या रहता है, तो ओके स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे जाएंगे हम लोग, फील्ड ले लेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे फील्ड रहेंगे फर्स्ट नेम, ये देखो कंट्रोल सी करेंगे हम लोग और यहाँ पे लेके जाएंगे वो नीचे, चलिए ये लेके जाएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोगों को लास्ट नेम लेके जाएंगे लेना है, तो यहाँ पे वापस जाते हैं हम लोग, या लास्ट नेम भी देखते हैं हम लोग, ऐसा कोई नहीं, लास्ट नेम हाँ। तो यहाँ पे अपन नीचे जाते हैं और यहाँ पे लास्ट नेम भी दे देते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको, बाद में लिखते हैं इज सबमिटेड ट्यूशन, सॉरी क्या लिखते हो, ट्यूशन फी, कितनी ट्यूशन फी वो भी मुझे डालना है। तो ऊपर जाएंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग ट्यूशन फी देते हैं हम लोग, ट्यूशन फी। क्लियर हो गया आपको, कंट्रोल सी करते हैं हम लोग और यहाँ पे दे देंगे ट्यूशन फी,
ये आप अपन दे देंगे ट्यूशन फी कंट्रोल वी और नीचे लिख लेते हैं हम लोग थैंक यू। ये मैसेज अपन भेज रहे क्लियर गया आपको ओके। ये एक्टिव है क्या चेक कर लो पहले, ये देखो एक्टिव नहीं है तो दिखेगा इतनी हाँ, ये बहुत मेन जरूरी होता है। ये एक्टिव कर देते हैं हम लोग और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया मेरा, सेव हो गया। अब मैंने क्या भेजना था वो मैंने ईमेल टेम्पलेट में भेज दिया, मतलब यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, ये डायग्राम में देखो ईमेल टेम्पलेट बना दिया और ये ईमेल अलर्ट में ऐड कर देंगे हम लोग ओके। देखते हैं हम लोग यहाँ पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट में ऐड कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ क्लिक करेंगे अनुराग, ये आया हुआ है देखो अभी बनाया ना फॉर अपडेटिंग द, चलो आ गया ये। उसके बाद इसको सेव कर देते हैं, चलिए इसको सेव कर देंगे हम लोग। सेव हो गया मेरा, सेव होने के बाद इसको देखो ये बन गया मेरा, इज इट क्लियर। अपडेशन अपडेशन इसको डन कर देते हैं, डन ज़रूरी है क्योंकि एक्टिव करना ज़रूरी है, एक्टिव नहीं रहेगा तो कुछ काम का नहीं रहेगा। चलो बन गया आपका, इज इट क्लियर। देखो वर्कफ्लो में देखना है आप लोगों को तो देखो अनुराग नाम का बन गया यहाँ पे। इसको रिफ्रेश कर देते पुराने इसमें जाते अपन रिफ्रेश कर देते, तो मैंने वर्कफ्लो बना लिया। अब एज्यूम करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा मैं एज्यूम कर देता हूँ यहाँ पे एक दीक्षा नाम का रिकॉर्ड है। अभी अपन अब क्रिएट एंड अपडेट बोल रहे हैं तो क्रिएट एंड अपडेट मतलब पुराने रिकॉर्ड को मुझे चेंज करना है। यहाँ पे देखो ये पुराने रिकॉर्ड को चेंज करते हैं, एडिट में जाते हैं हम लोग, एडिट में पुराने रिकॉर्ड में एडिट में जाते हैं तो बाकी कुछ नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे जाएंगे ये 15,000 रुपये है तो यहाँ पे अपन दे देंगे देखो 20,000 रुपये दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। चलो सेव कर दिया मैंने, तो मुझे मैसेज आना चाहिए क्या बताओ बरा? नो सर। मैसेज आना चाहिए क्या? देखो बरा आपको मैसेज आया होगा क्योंकि मैंने एक ज़्यादा का क्राइटेरिया लगा दिया था, उसको निकाल देंगे अपन ओके। देखो आया क्या नहीं आया यहाँ पे, क्लियर गया आपको? क्यों नहीं आया बताओ बरा मुझे? क्योंकि हमने क्राइटेरिया क्या दिया था 25,000। यस इतना क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस 25,000। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करो हम लोग, आता है क्या चेक कर लो, ये नहीं है। अभी अपन देखते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्क, इसको और वापस से एडिट करते हैं 001 को, क्लियर हो गया आपको? और एडिट करते हैं क्या नाम से, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एडिट करेंगे हम लोग और यहाँ पे अपन दे देते हैं 25,000। अब देखो वह कंडीशन फुलफिल होंगी 25,000 ओके सेव इट। अब वैसे अभी 25,000 आ जाएगा तो क्राइटेरिया मीट होगा क्या आपका? अब क्राइटेरिया मीट होगा तो आपका मैसेज आ जाएगा। चलो मैसेज आ गया, देखो यहाँ पे अपडेट ट्यूशन पी हाय दीक्षा निमगेड़े, देखो ये मैसेज आ गया आपका, यही तो दिया था ना अपने हाय निमचा दीक्षा, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज सबमिटेड द ट्यूशन फी 25,000 थैंक यू। क्लियर हुआ क्या आपको बताओ? यस अब समझ में आ रहा है क्राइटेरिया मीट कैसे होता है तो? अरे यस और नो? यस सर। ओके चलिए अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वर्कफ्लो फॉर अपडेशन हो गया ये, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इज इट क्लियर? टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट ओके, टाइम डिपेंडेंट वर्कफ्लो, टाइम डिपेंडेंसी वर्कफ्लो। टाइम डिपेंडेंसी वर्कफ्लो में क्या रहता है? सेम रहता है, अपन क्या करेंगे एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है, स्टूडेंट रिकॉर्ड को मैं वापस बता देता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड को मैं न्यू रिकॉर्ड बना देता हूँ ओके। ये न्यू रिकॉर्ड रहेगा, नया रिकॉर्ड बनाऊंगा ना, नया रिकॉर्ड ओके, ये क्राइटेरिया लगाता ही नहीं, नया रिकॉर्ड बनाऊंगा ओके। आई क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड अपन इसके पहले पढ़े थे ना वो वाला न्यू रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड अपन पढ़ेंगे, स्टूडेंट डिटेल अपन न्यू रिकॉर्ड देखेंगे। तो न्यू रिकॉर्ड जैसे ही बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? टाइम ट्रिगर होना चाहिए, टाइम ट्रिगर आना चाहिए यहाँ पे ओके। टाइम ट्रिगर, टाइम ट्रिगर का मतलब टाइम ट्रिगर होना चाहिए, टाइम वर्क फ्लो आना चाहिए, टाइम वर्क फ्लो आना चाहिए। और वो कितने दिन के बाद आना चाहिए? जैसे आज रिकॉर्ड बना तो 4 घंटे के बाद, 4 आवर्स के बाद, 4 आवर्स के बाद आपका रिकॉर्ड जाना चाहिए। या हो सकता है आपको आज रिकॉर्ड बनाया आप लोगों ने तो कल 1 डे के बाद आपको मैसेज आना चाहिए, 1 डे के बाद मैसेज आना चाहिए
वन डे के बाद आपको मैसेज आना चाहिए कि यस योर रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, तुरंत नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि आपको क्लियर हुआ कि आपको एक दिन, इसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंसी, इज इट क्लियर और नॉट मुझे बता। क्लियर हो गया, अभी बनाएंगे अपन वो वाला टाइम डिपेंडेंसी का मतलब। आपको समझ में आ गया क्या कि अभी आप लोग आज अभी कितने 8:30 बजे अपन रिकॉर्ड बनाएंगे, 8:30 को रिकॉर्ड बनाएंगे, तो कल 8:30 को आपको मैसेज आएगा, ओके, ईमेल अलर्ट, इसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंसी। दूसरा चीज, टाइम डिपेंडेंसी भी कहाँ पे होता है, यहाँ पे अनुराग का बर्थडे अज्यूम करते हैं, परसों के दिन है, 5 तारीख को बर्थडे इसका अज्यूम करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको, तो उसको बराबर 5 तारीख को ही मैसेज आना चाहिए हैप्पी बर्थडे करके, 6 को नहीं आना चाहिए ना 4 को आना चाहिए, वो रहता है टाइम डिपेंडेंसी। अपन चेक करेंगे कि 5/1 जो डेट रहेगी उसी डेट को, ईयर नहीं काउंट करेंगे, उसी डेट को हम लोग मैसेज दे देंगे। क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताओ। या दूसरा, किसी ने लोन निकाला होगा, रूपम ने लोन निकाला है एजम घर के ऊपर, लोन निकाला होगा, और वो लोन निकालने के बाद जैसे 15 तारीख का उसका ड्यू डेट है, तो उसको बराबर 10 तारीख से मैसेज आ जाएगा, यस ओके आपको बैंक ड्यू डेट है, आप सफिशिएंट बैलेंस आपके अमाउंट इसके अकाउंट में रखिएगा, इस तरह से आपको मैसेज आते जाएंगे। क्लियर हो गया आपको, ये इंडिकेट करता है, दिस इज कॉल्ड द टाइम डिपेंडेंसी, ओके। टाइम डे इमीडिएट में कैसा होता है, इमीडिएट में कैसा होता है, जैसे आप रेलवे बुकिंग करते हो, जैसे बुक करते हो तो वैसे आपको मैसेज आ जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन योर टिकट इज बुक फॉर 2 पर्सन, ओके, ऐसे लिख के आता है आप लोगों को। क्लियर हो गया क्या आपको। या कभी कभी आप प्लेन में जाते हो, तो प्लेन में जाने के अभी जैसे आप लोग अभी आजकल वर्किंग होता है यहाँ पे, तो जैसे आप लोग हल्दीराम में जाते हो, तो हल्दीराम में जैसे आप लोग बिल दे देते हो और आपका मोबाइल नंबर और नाम मांगते हैं आपका, तो जैसे मोबाइल नंबर, तो जैसे आप लोगों ने आपका काउंटर में वहाँ पे बिल सबमिट कर देते हो और डोसा लेते हो, तो आपको एक मैसेज आ जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन करके, ओके, या उसको लिख के आता है कि आपको, तो ये इमीडिएट एक्शन होता है। टाइम डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि आपको, हम टाइम डिसाइड करते हैं तो उसके साथ अपने को वर्किंग होता है, उसको टाइम डिपेंडेंसी बोला जाता है। क्लियर गया। अभी मुझे क्या करना है, एक नया रिकॉर्ड बनाना है, आज बनाएंगे, अभी 8:40 को अपन रिकॉर्ड बनाएंगे और वो आपको मैसेज कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, उस दिन अपने को आएगा, चेक करते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे वर्क फ्लो में जाते हैं, लेकिन पहले रूल क्या होता है, जो वर्क फ्लो पहले से एक्टिव है उसको डीएक्टिव कर दो थोड़ी देर के लिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कौन सा वर्क फ्लो चालू है। अपन न्यू वर्क फ्लो में जाते हैं, आज अपन ने नाम लिया है, किसके ऊपर बनाना है, स्टूडेंट डिटेल के ऊपर बनाना है, तो ये क्लिक ऑन द स्टूडेंट डिटेल। चलिए, आदत हो जाती है, बहुत पढ़ना है अपने को, और यहाँ पे लिखते हैं अनुराग, आज का नाम अनुराग दिया है, अनुराग ईमेल वर्क फ्लो फॉर टाइम डिपेंडेंसी। ओके, फॉर टाइम डिपेंडेंसी। चलिए अपन देते हैं क्राइटेरिया क्या देंगे हम लोग, सेम क्राइटेरिया, पहला न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तब, ओके, और यहाँ पे अपन वही देते हैं करंट ईमेल आईडी। अभी अपने को क्राइटेरिया देना है, करंट ईमेल आईडी इक्वल्स टू क्या, करंट ईमेल आईडी था इसका, मैंने लिखा था शायद गौरी शंकर, ओके, और दूसरा हम लोग दे देंगे यहाँ पे करंट प्रोफाइल, और यहाँ पे देंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए, हो गया इसको, इतना तो समझ में आ रहा है ना, कल अपने को नया देखना है यहाँ पे, सेव इट, ईमेल अलर्ट पढ़ा देंगे हम लोग। चलिए, ईमेल अलर्ट देना अपने को क्या है, अब मुझे देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टाइम डिपेंडेंसी, ओके, टाइम डिपेंडेंसी सिर्फ सेकंड वाला जो रहता है ना क्राइटेरिया, पहले क्रिएटेड है, दूसरा क्रिएटेड एंड एडिटेड है, तीसरा क्रिएटेड एंड एवरी टाइम एडिटेड है, ओके, तो हम लोगों को पहले और तीसरे के बीच में अपन टाइम डिपेंडेंसी लगा सकते हैं, सेकंड के ऊपर नहीं लगा सकते। अभी मैंने क्राइटेरिया किसके ऊपर लगाया, पहले के ऊपर, क्रिएट के ऊपर, तो उसके ऊपर इधर इमीडिएट एक्शन भी लगा सकते हो, टाइम डिपेंडेंसी भी लगा सकते हो, अपन दोनों भी लगाएंगे आप लोग। अभी टाइम डिपेंडेंसी लगाता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये टाइम डिपेंडेंट ट्रिगर, ऐड टाइम डिपेंडेंट ट्रिगर करते हैं हम लोग, ओके, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, दिमाग लगाने लायक कुछ है नहीं यहाँ पे,
अपन दे देंगे यहाँ पे, कब लगाना है मुझे, एक दिन के बाद, कल, डे आफ्टर, और आफ्टर देखिए वहाँ पे उसने क्या बोला है, तो रूल, ट्रिगर डेट। ट्रिगर डेट मतलब क्या होता है, कब लगना चाहिए, जैसे अपना ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे अपना रिकॉर्ड बनेगा, आज अभी मैं थोड़ी देर के बाद रिकॉर्ड बनाऊंगा 8:45 पे, उसके बाद एक दिन के बाद मतलब कल 8:45 में वो मैसेज आ जाएगा, क्लियर गया आपको। या स्टूडेंट डिटेल क्रिएशन डेट, तो अपन जो ये बनाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जब अपन ये बनाते हैं, नया रिकॉर्ड बनाएंगे नया रिकॉर्ड बनाते हैं, और ये देखो यहाँ पे नाम लिखेंगे जो भी, और जैसे मैं सेव करता हूँ ना, तो वैसे ही यहाँ पे देखो, ध्यान दीजिएगा, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो रहता है ना क्रिएट डेट, ये क्रिएट डेट आ जाता है, जैसे अपन सेव करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मैं रिकॉर्ड फिलअप करूँगा, जैसे मैं सेव करूँगा इसे क्लियर, तो वैसे ही यहाँ पे नहीं क्या आपको, तो वो रहता है डेट कौन सा, स्टूडेंट डिटेल क्रिएट डेट, ये रहता है आपका, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे। तो मैं रूल क्रिएट दोनों का मतलब ये और ये दोनों का टाइम सेम रहता है, जब आपका रिकॉर्ड बनेगा उसके बाद ही ट्रिगर वर्क करेगा ना, तो ये टाइम और ये टाइम दोनों सेम होता है, तो मैं ट्रिगर के थ्रू जाता हूँ। ओके, ये समझ में आ गया, मुझे लग रहा है कि नहीं, आवर्स के बेस के ऊपर देना, 1 घंटे के बाद आना चाहिए, तो मैं 1 घंटे के बाद आऊँगा, क्लियर हो गया आपको। मैं मैसेज दे दूंगा और वो मैसेज डाल देना रे आप लोग, मैं किसी का नाम डाल दूंगा अभी, तो वो मैसेज 1 घंटे के बाद डाल देना, क्लियर हो गया आपको, कि यस आया करके, और वो ग्रुप में डाल देना, सेव इट, मैं 1 घंटे के बाद देता हूँ, चलेगा क्या? ओके, और यहाँ पे बिफोर और आफ्टर रहता है, बिफोर और आफ्टर, अभी आफ्टर दिया है, मेरा रिकॉर्ड क्रिएट होने के 1 घंटे के बाद, मैं 1 दिन दूंगा। ओके, तो अपन 1 दिन के बाद देते हैं, 1 डे के बाद देते हैं, क्लियर हो गया आपको। तो 1 दिन के बाद मैसेज आएगा आपको, तो कल मुझे बताइएगा, क्लियर हो गया आपको, जिसका भी नाम डालेंगे। आफ्टर और बिफोर, बिफोर कब होता है ये, जैसे अभी एखादे बार रुपम ने एखादा लोन उठाया होगा, तो लोन उठाया होगा तो उसकी डेट होगी 15 तारीख, तो वो क्या करेगा यहाँ पे 5 डेज, समझ में आ रहा है क्या आपको, 5 डेज पहले उसको मैसेज आ जाएगा, क्या आएगा कि आप, आपका ड्यू है, आप बैंक में इतना सफिशियंट बैलेंस रखिएगा, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ। यस सर, ओके, तो अभी यस सर, अपन आफ्टर दे देते क्योंकि अपने को 1 दिन के बाद, चलो 1 घंटे के बाद देख लेते, मुझे कल मैसेज छोड़ देना है यहाँ पे। ओके, समझ में आ गया, सेव इट, इसको सेव कर देते हैं। चलिए, आ गया आपका, हमने टाइम ट्रिगर लगा दिया, क्या टाइम ट्रिगर लगा दिया कि 1 घंटे के बाद आपको मैसेज आना चाहिए, इतना क्लियर हो गया आपको, यस। ओके, यस सर, बाद में ऐड द वर्क फ्लो, 1 घंटे के बाद क्या आना चाहिए आपको, ईमेल आना चाहिए ना, तो यहाँ पे ऐड वर्क फ्लो एक्शन करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए वापस, तो मतलब टाइम डिपेंडेंस, देखिए टाइम डिपेंडेंस एक कंसेप्ट है, ये टाइम डिपेंडेंस में क्या होता है आपका, टाइम डिपेंडेंस में आप लोग बता सकते हो कि मुझे क्या क्या वर्किंग करना है, क्या नहीं करना है, वो अपन बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखिए, तो टाइम डिपेंडेंसी आपकी वर्क करेंगे यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, चलो 1 घंटे के बाद क्या होना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए, ईमेल अलर्ट करता हूँ, समझ में आ गया क्या, एनी डाउट, ये मुझे आज के आज वर्क करो वर्क फ्लो, नहीं तो समझता नहीं बहुत लोगों को, तो क्लियर कर लो आप लोग। तो यहाँ पे आज का नाम डाल देते अनुराग, अनुराग इंडिकेशन है आज का, ओके, ईमेल अलर्ट, और यहाँ पे अपन डाल देंगे, ओके, ईमेल अलर्ट फॉर क्रिएटिंग, क्रिएटिंग न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, क्लियर है आपको, इसको क्लिक करते हैं हम लोग, क्रिएटिंग का स्पेलिंग जाने दो, गलत है, तो अभी हम लोग यूजर्स में डाल देते हैं, हम लोग एक दीक्षा के लिए डाल देता हूँ मैं, ओके, बाद में हम लोग ईमेल टेम्पलेट, अब समझ में आ गया ईमेल टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जब अपन भरते हैं ना उस वक्त, ये ईमेल टेम्पलेट का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जब अपन न्यू पे जाते हैं ना हम लोग, और नया रिकॉर्ड जब फिलअप करते हैं, तो ये जो ईमेल रहता है ना, ये वाला ईमेल, ध्यान दीजिएगा, ये ईमेल जो रहेगा आपका, इज इट क्लियर, वो ईमेल के वक्त आप लोगों का मैसेज जाता है, तो वो रहता है ये काम। चलिए, वो ये जो ईमेल ईमेल आईडी है ना, ये वाला ईमेल आईडी मतलब क्या रहता है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये ईमेल आईडी मतलब आपका, वेट अ मिनट, ये ईमेल आईडी मतलब आपका ये वाला रहता है, जो फिलअप कर रहे हैं ना हम लोग, ईमेल आईडी वो रहेगा आपका, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे आप इसके लिए ईमेल टेम्पलेट लिखना पड़ेगा, मैंने बताया ना ये डायग्राम आपको, ध्यान दीजिएगा, ये ईमेल टेम्पलेट लिख के इसको ईमेल अलर्ट को भेजा देता है, बाद में वो मैसेज आता है, अभी ये आएगा 1 घंटे के बाद, ओके, कब आएगा मैं बता देता हूँ, तो इसको जाएंगे यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे जाना पड़ेगा होम में, होम में ईमेल टेम्पलेट लिखना पड़ेगा और इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे न्यू पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज दे देंगे, एचटीएमएल मैसेज अपन देखेंगे बाद में। चलिए यहाँ पे इसको एक्टिव कर देते पहले और यहाँ पे अनुराग लिखते हैं, अनुराग, और यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट है। आपको यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, ओके, टाइम डिपेंडन ओवर फ्लो फॉर न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। क्लियर हो गया आपको, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, दिखता है स्टार्टिंग में, ईमेल को सब्जेक्ट रहेगा ना, यहाँ पे लिखेंगे ओके हाय, आपका नाम डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी बंदे का रहेगा वहाँ पे नाम आ जाएगा आपका, यहाँ पे कोई नाम डाल देते, क्या नाम डालेंगे, ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट, अभी वही वही काम करना है इसलिए मैं ज़्यादा ये वर्क नहीं कर रहा, आप समझ में आ रहा होगा। हाँ लेकिन बोलेगा कि मैं नहीं करता, दो दिन के बाद देखता हूँ, तो मैं वापस बता रही हूँ, दो दिन वालों को कभी जॉब ही नहीं लगता, वर्क ही नहीं होता, याद रखिएगा। आप ट्राई करके देखो चार पाँच दिन के बाद, उस दिन के बाद मूड छूट जाता है आपका। लास्ट नेम देना है आपको तो लास्ट नेम दे सकते हैं आप लोग, जाइए यहाँ पे लास्ट नेम दे दीजिए, लास्ट नेम दे दीजिए, कंट्रोल सी करो ओके। कभी कभी ऐसा हो जाता है यहाँ पे, देखो ऐसा हो जाता है, कन्फ्यूज़ होना, इसको इसके ऊपर कर्सर लेके जाना, कंट्रोल ए करना और बाद में कंट्रोल सी करना, चलता है, ऐसा भी हो जाता है, टेंशन लेना नहीं। यहाँ पे देखिए हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे थैंक यू ऐसे अपन ये मैसेज दे देते हैं ओके। ये मैसेज दे दिया मैंने, सेव कर दिया, ये हो गया यहाँ पे सेव। यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, आया के चेक करते बड़ा अनुराग आया के अपडेट वाला, और यह अनुराग ईमेल टेम्पलेट फॉर न्यू स्टूडेंट ओके ओके। चलिए इसको ऐड कर देते, ऐड हो गया आपका, सेव कर देते हम लोग, सेव कर दिया हम लोगों ने। या गलतियां करते हैं आप लोग, इसको अपने को अपडेट करना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है, तो एक्टिव डन में जाते हैं और उसके बाद इसको एक्टिव करते हैं, एक्टिव नहीं करेंगे तो रह तो रह जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं। चलो एक्टिव हो गया, वर्क फ्लो में जाते हैं हम लोग, अपना वर्क फ्लो बन गया क्या देखते हैं, अनुराग फॉर टाइम डिपेंडेंसी, चलो बन गया। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में जाता हूँ, नया रिकॉर्ड बनाता है ओके। यहाँ पे अनुराग लिखता हूँ, अनुराग अनुराग मोदी कर रहा अपन एक ईमेल आईडी डालते हैं, ये ईमेल आईडी मतलब वहां पे डाला हुआ है, अनुराग नंबर ईमेल आईडी सन, अनुराग दो प्लांट है, अनुराग चौधरी एट द रेट अनुराग चौधरी तारी, बराबर है क्या स्पेलिंग पा, gmail.com बराबर है क्या, चलिए क्योंकि ट्यूशन फी डाल देते 15,000 रुपये,
कल ये ट्यूशन भी का बहुत काम में रहेगा आपका, क्लियर गया आपको? और इसको सेव कर देते हैं, बाकी जेंडर डाल देते, ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, मेल डाल देते, बस सेव कर देते। जैसे ही मैंने देखो अभी कितना बजा है, टाइम कितना हुआ अनुराग? 8:44 ना, तो सेव कर देता हूँ 8:44 को। तो कल अपने एक घंटे के बाद दिया था ना, तो 9:44 को उसको मैसेज आ जाएगा, मुझे भी आ जाएगा और उसको भी आ जाएगा। फिलहाल नहीं अभी नहीं आएगा आपको। ओके, अभी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपने टाइम डिपेंडेंसी लगा है, टाइम डिपेंडेंसी से मैसेज नहीं आएगा। अब देखो मैंने रिकॉर्ड तो बना दिया, ये मी मतलब मेरा पुराना रिकॉर्ड था, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट इट, ये डिलीट कर देता हूँ मैं, क्लियर गया आपको? यहाँ पे ये कल का रिकॉर्ड था मेरा, इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, अभी नहीं आएगा, जैसी एक घंटे का 9:44 होंगे ना, तो वैसे ही उसको मैसेज आएगा, उसको बोलते टाइम डिपेंडेंसी वर्किंग। क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए? यस यस सर। ओके, अभी अभी सभी आपको एक बता देता हूँ, क्योंकि कल अपने को नेक्स्ट टॉपिक वर्क करना है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं क्या कर देता, स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाता हूँ। स्टूडेंट डिटेल में अंदर जाने के बाद मुझे एक आप लोगों को बना के देना है, वो ध्यान दीजिएगा। अपन स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग, अभी यहाँ पे जाके सेटअप पे जाएंगे हम लोग, सेटअप पे जाने के बाद अगेन सेटअप पे जाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। मुझे ये काम करके रखना है आप लोगों को, नहीं तो कल का ट्रिगर वर्क नहीं होगा आपका। स्टूडेंट डिटेल में जाना है आप लोगों को, स्टूडेंट डिटेल में जाने के बाद फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे नहीं क्या फी स्टेटस होगा मेरे पास है, आपके पास है क्या? नहीं है, पता नहीं, ये फी स्टेटस है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वेट अ मिनट, फी स्टेटस है ये, आप लोगों को करके रखना है डिलीट, ये डिलीट होता ही नहीं, हो गया, वेरी गुड। ये इतने इसमें है, चलिए मैं एक आप लोगों को फी स्टेटस बनाने के लिए बोलता हूँ। ये डिलीट नहीं हो रहा है, नो डाउट। ओके, ये फी स्टेटस डिलीट नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा, ध्यान दीजिएगा, न्यू पे जाऊँगा, आप सभी जन करके रखना। ओके, पिकलिस्ट में जाएंगे हम लोग, पिकलिस्ट में, पिकलिस्ट में क्लिक करोगे आप लोग, उसके बाद नेक्स्ट पे जाओगे आप लोग, और नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पिकलिस्ट बनाना है। क्या है? फी स्टेटस की, फीस स्टेटस, स्टेटस, क्लियर गया? लेकिन मैं यहाँ पे अलग नाम डाल देता हूँ, अनुराग करके डाल देता हूँ, क्यों? क्योंकि वो पहले से फीस स्टेटस है, क्योंकि अनुराग आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो लेकिन आपको सिर्फ फीस स्टेटस करके डालना है, क्योंकि आपके इसमें नहीं रहेगा वो। ओके, तो यहाँ पे अनुराग करके लिखेंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। क्या रखेंगे यहाँ पे, देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपन देंगे फुल पेड, इसका मतलब मैं बता देता हूँ, फुल पेड कल अपन देखेंगे क्या रहेगा इसका मतलब। नेक्स्ट इसमें हाफ पेड, पेड, और थर्ड रहेगा आपका हाफ पेड, और थर्ड रहेगा नो पेड करके, नो पेड, क्लियर हो गया आपको? ये आपका नो पेड करके, ये मैं दे देता हूँ, और ये मुझे बना के रखना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। इतना आपको एक एक फील्ड बना के रखना है स्टूडेंट डिटेल के अंदर, एक पिकलिस्ट बना के रखना है आप लोगों को। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चेक करेंगे, नेक्स्ट L7। चलिए, तो ये पिकलिस्ट आपको बना के रखना है। देखिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, रिसेंट में जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग, और रिफ्रेश करने के बाद स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग, न्यू पे जाता हूँ मैं, न्यू पे जाने के बाद चेक करता हूँ ट्यूशन फी आ गया क्या, ये अनुराग ट्यूशन फी आ गया, ये विनय ट्यूशन फी भी आ। ओके, वो छोड़ दीजिए, मैं अनुराग, ये फी स्टेटस, ये विश फी स्टेटस है यहाँ पे, लेकिन अनुराग आपको सिर्फ एक ही बार दिखेगा फी स्टेटस करके, क्लियर हो गया? ये इतना बना के रखेंगे आप लोग, क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए? यस, एनी डाउट? यस सर।